Hello guys, I'm Vineet and welcome to Aglasem. GPAT 2019 application form has been released and in this video I'm going to help you in filling this form. So watch it till the end. You can simply fill the application form from the link given in the description box, or you can visit NTA's official website, that is ntagpat.nic.in. And do remember, the last date to fill the form is 30th of November. So mark this date. To fill this form, you should have a valid email ID, a valid mobile number, a scanned image of your photograph and signature, a debit card, credit card or a net banking service. So these things will be needed while filling the form. Now let's talk about the eligibility criteria. The eligibility criteria is, the applicant must be an Indian citizen. Candidate must have bachelor degree in pharmacy, that is, candidate must have bachelor's degree in pharmacy 4 years after 10+2, including lateral MD candidates. B Pharma program final year candidates can also apply to appear in GPAT 2019. You should note that, like, BTech pharmaceutical and fine chemical technology equivalent students are not eligible to appear for GPAT 2019. So for filling the form, follow these steps. आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है ntagpat.nic.in पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके सामने एक ये एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एक विंडो खुलेगी जहाँ पे आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जो विंडो खुलेगी उसमें इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपको स्टेप्स दिए हुए हैं अप्लाई करने के, जैसे कि आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, देन अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर, देन पे एग्जामिनेशन फी, देन डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको जीपैट के लिए फिल करना है तो आप जीपैट पर सेलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी सेलेक्टेड भी हो सकता है। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल के साइन इन कर सकते हैं। सो जो नए कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद उनके पास एक विंडो खुल के आएगा जिसमें आपके पास जितने भी स्टेप्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, देन इमेज अपलोड करना है, देन आफ्टर दैट लास्ट में आपको फी पेमेंट करनी है। आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारे जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हें जरूर पढ़ लें ध्यान से। एक एग्जामिनेशन फी डिटेल है, आपको 1400 रुपीज पे करना होगा अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं, और अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 700 पे करना होगा। इन सारे इन्फॉर्मेशन को जरूर पढ़ लें क्योंकि ये आगे आपकी बहुत हेल्प करने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में। जब आप ये सब इन्फॉर्मेशन पढ़ लें तब आप इस बॉक्स में टिक करें जिसमें लिखा हुआ है आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन, देन आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये विंडो खुल के आएगी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी है, जैसे पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, चूज पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन। अब अपना कैंडिडेट नेम फिल करें, उसके बाद फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको फिल करनी है, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं, स्टूडेंट आईडी, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट एंड अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आपको कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करना है, तो लोकैलिटी आपके लिए ऑप्शनल है। मेक इट श्योर कि आप ये सारे डिटेल सही फिल कर रहे हो क्योंकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप सारे डिटेल सही फिल करें। ईमेल आईडी बिल्कुल सही होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपका फ़ोन नंबर भी, क्योंकि आगे की जितनी भी प्रोसीजर होंगी वो आपके फ़ोन नंबर और आपके मेल आईडी के थ्रू ही होगा। तो चेक कर लें कि आप सही नंबर जरूर डालें। अगर आपके पास टेलीफोन है, लैंडलाइन नंबर, तो आप उसको भी डाल सकते हैं। पासवर्ड आप वाइजली चूज करें जिसमें आपको पासवर्ड आपका 8 से लेके 13 कैरेक्टर का हो सकता है,
और आपका जो पासवर्ड है उसमें मिनिमम एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक डिजिट होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर कम से कम होना चाहिए। आप कंफर्म कर ले उस पासवर्ड को दोबारा टाइप करके। उसके बाद आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करें। सिक्योरिटी क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर हम इन केस अपना पासवर्ड भूल जाएं तो फिर हम री लॉग इन कर सकें। एंड में आपको सिक्योरिटी पिन जो दिया है उसे सही से डालना है। फिर ये सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक रिव्यू पेज खुलेगा जिसमें आपको लिखा होगा प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू इट बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस फाइनल सबमिट बटन टू फाइनल सबमिशन। इसमें आप अपने सारे डिटेल्स को दोबारा चेक कर लें क्योंकि उसके बाद आपको शायद चेक करने का मौका नहीं मिलेगा। आपका सारा डिटेल यहां पे शो कर रहा होगा। फिर आप एक पैरामीटर चेकलिस्ट टू वेरीफाइड, पैरामीटर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड में आप अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आप उस पर सब पे टिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन है और यहां पे डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद आप इस बॉक्स पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। क्विक विंडो खोल के आगे डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, आप यस पे क्लिक करें अगर आपका सारा इंफॉर्मेशन सही है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, इसे नोट कर ले कहीं भी। उसके बाद आपके पास आएगा कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए नेक्स्ट स्टेप पे जाना है आपको, तो आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिए। आपके पास ऑलरेडी फिल्ड डिटेल आएंगी जैसे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। आप जो अनरिक्वायर्ड अनफिल बॉक्सेस है उनको फिल कर ले जैसे स्टेट ऑफ रेजिडेंस, अपनी कैटेगरी। If you are a person with disability, then more than 40%, then आप यहाँ पे yes and no में टिक करें। अपनी nationality, just जो कि अगर if you are diabetic, then you should click here. If you are applying for GMAT, तो आपका first choice city आपका होगा, second choice, ये चार cities का आप name देंगे, उसके according ही आपका exam center decide होगा। So be careful while filling these. अब आपको डिटेल्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन फिल करना है, आपका ग्रेजुएट पास स्टेटस, आप अगर पास है तो पास है, अपीयरिंग, नेम ऑफ एग्जामिनेशन। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, रिजल्ट मोड एंड मार्क्स डिटेल आप अपना। इसके बाद यहां पे आपको केस सेंसिटिव पिन फिर से डालना है। फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास आएगा कि आपको रिव्यू करिए कि आपकी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो सही है कि नहीं। उसके बाद आप पैरामीटर चेक टू वेरीफाइड में आप सारे डिटेल्स को चेक कर लीजिए एक बार कि आपकी सारी डिटेल सही फिल है कि नहीं। उसके बाद आप ये एक बॉक्स है जो कि पैरामीटर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड जो पहले आपने फिल करी थी, फिर से आपको इसमें बॉक्सेस में टिक करना है आपके सारे इंफॉर्मेशन सही है तो। मेक इट श्योर कि आपका कोई भी बॉक्स अनफिल्ड ना हो, टिक बॉक्स टिक जरूर होना चाहिए हर बॉक्स में। उसके बाद आप डिक्लेरेशन को पढ़ ले और आई एग्री पे क्लिक करके आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इस विंडो में आपको यस प्रेस करना है अगर आपका सब कुछ सारे इंफॉर्मेशन सही है।
उसके बाद ये विंडो खुल के आएगी जिसमें अगर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, और अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही डाली है तो आप अपलोड इमेजेस पे जाके थर्ड स्टेप पे जा सकते हैं। आप अपना फोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर पहले से रेडी रखें, और अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ सिक्योरिटी पिन फिर से डालना है। I have verified uploaded images carefully पे टिक करके अपलोड कर देना है, जिसमें आपके पास फिर से कंफर्मेशन पेज आएगा जिसमें आपको यस प्रेस करना है, और ये आपका इमेज अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली। अब आप पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करें और ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करें। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के थ्रू पे कर सकते हैं। अब अपने डिटेल्स चेक कर लें और फिर सेलेक्ट पेमेंट मोड प्रोवाइडर पे क्लिक करें। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट। आप नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट या फिर अदर कोई कार्ड पेमेंट मोड पे क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारे डिटेल चेक कर लेने हैं और अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट आपकी एग्जामिनेशन फीस 1400 है, सो आप इसको कंफर्म करें, जो कि आपको रीडायरेक्ट करेगा जिस पेज पे जहां पे आपको अपनी कार्ड डिटेल्स डाल के पेमेंट फाइनली कंफर्म कर देनी है। So these were the steps. I hope this video is really helpful to you all. Let us know by liking this video and sharing with your friends. And if you have any query, do comment down in the comment section. And yes, do subscribe to our channel. We will be back with more such videos. Till then, ta-da!